जय हिंद मित्रों, आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन बताने जा रहा हूं। जैसे इससे पहले जैसे मेरे देख ली कि अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। मैं डॉक्टर सुशील पटेल, जेएन कॉलेज मधुबनी, मैं गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। देखिए, आपके जो यहाँ पे बोर्ड पे दिया गया है कि निम्नलिखित निम्नांकित व्यक्तिगत सम्मत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड से जो है द्वारा मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और मानक विचलन के गुणांक की गणना भी कीजिए यानी कोफिशिएंट भी निकालना है। तो यहाँ जो हमारा कुछ केंद्र दिया गया है, 10 केंद्र दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ, और यह सभी केंद्र पे जो है कि रेनफॉल जो है यानी वार्षिक वर्षा जो होती है तो उस वर्षा को यहाँ सेंटीमीटर में दिखाया गया है। जैसे ए केंद्र पे 40 सेंटीमीटर, बी केंद्र पे 42 सेंटीमीटर, सी पे 43 है, डी पे 45 है, ई पे 47 है, एफ पे 48 है, एच पे 50 है, जी पे 50 है, एच पे 52 है, आई पे 55 है और जे पे 60 है। अब इस डाटा के आधार पे क्या करना है कि हमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है और कोफिशिएंट निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सारणी तैयार करते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं प्रेक्षण केंद्र है जो ए बी सी डी ई दिया गया तो उसको लिख दिए। दूसरा है वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में, तो यानी वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में जो यहाँ दिया गया उसको भी यहाँ लिख दिए। अब अगला स्टेप आपको देखना है कि एक्स बार निकालना है और दूसरा जो है कि विचलन का गुणांक यानी एक्स बार जो होगा वह विचलन का एक्स बार जो निकालते हैं और एक्स बार से जो क्या है एक्स माइनस एक्स बार या उसको डी कहते हैं और इधर जो है डी स्क्वायर निकालते हैं यानी विचलन का गुणांक निकालते हैं। तो अब देखिए कि कहते पहले एक्स बार निकालने के लिए क्या होता है। एक्स बार निकालने के लिए जैसे एक्स बार यहाँ निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक्स बार के लिए क्या होता है समेशन एक्स यानी यह वाली जो पार्ट है यानी वार्षिक वर्षा यह एक्स है और इस एक्स को जब हम जोड़ते हैं तो उसको समेशन एक्स कहते हैं। तो समेशन एक्स बराबर जो आया जो 482 आ गया यानी कि समेशन एक्स इक्वल टू 482 है। तो यहाँ पे 482 हो गई और यहाँ पे जो प्रेक्षण केंद्र यानी नंबर जो देख रहे हैं एन इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे 10 हो गई। अब इसको जब हम करते हैं 482 बाई 10 तो यानी एक्स बार जो निकलता है 48.2 सेंटीमीटर यानी मेरा जो एक्स बार जो है कि निकल गया 48.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या करते हैं एक्स बार को यहाँ 48.2 सेंटीमीटर दे देते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं एक्स माइनस एक्स बार यानी एक्स मेरा यहाँ है एक्स बार यह है तो यहाँ जब इसको माइनस करते हैं यानी 40 माइनस 48.2 तो यानी माइनस 8.2 आता है। 42 माइनस 48.2 माइनस करते हैं तो 6.2 आता है। इसी प्रकार सभी को माइनस करते हैं यानी यहाँ देखिए 48 को जब माइनस करते हैं 48.2 से तो 0.2 आ जाती है। यहाँ 60 जो देख रहे हैं तो 60 को 60 माइनस 48.2 करते हैं तो 11.8 आता है। इस प्रकार सभी को जो है कि x माइनस x बार कर देते हैं तो यह सभी आ गए और यह जो होगा वह d होगा यानी डिविएशन है। और देखिए कि यानी विचलन हुआ। अब इस विचलन को क्या करते हैं कि वर्ग करते हैं यानी कि माइनस 8.2 को जब वर्ग करेंगे तो 67.24 होगा, 6.2 को जब करेंगे तो 38.44 होगा, 5.2 को करते हैं तो 27.04 होता है, 3.2 को करते हैं तो 10.24 होता है, 1.2 को करते हैं तो 1.2244 होता है, 0.2 को करते हैं तो 0.04 होता है, 1.8 को करते हैं तो 3.28 होता है, यहाँ पे 3.8 को करते हैं तो 14.44 होता है, 6.8 को जब स्क्वायर में करते हैं तो 46.24 होता है, 11.8 को जब करते हैं तो 139.24 होता है यानी सभी को स्क्वायर करते तो डी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे कि जो विचलन निकला है विचलन का वर्ग तो उसको कर देंगे समेशन डी स्क्वायर। तो समेशन डी स्क्वायर जब करते हैं तो 347.6 आ गया। देखिए अब यहाँ क्या है कि अब हम जब निकाल लिए यहाँ समेशन डी स्क्वायर तो यानी समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 347.6 है। अब इसके बाद क्या करते हैं मानक विचलन ज्ञात करते हैं। तो मानक विचलन या इसको सिग्मा कहते हैं यानी यह सिंबल जो देख रहे हैं
ग्रीक भाषा में इसको सिग्मा कहा गया है। तो सिग्मा जब निकालते हैं तो क्या है, रूट अंडर समेशन डी स्क्वायर वाई एन। तो जब यहां पे निकालते हैं तो समेशन डी स्क्वायर बाई एन, तो यानी कि डी स्क्वायर जो है तो डी स्क्वायर क्या 347.6 है और एन जो है 10 है। जब इसको डिवाइड करने पे हो जाता है रूट अंडर 34.76। अब जब इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा 5.896 सेंटीमीटर, यानी यहाँ जो विचलन निकली हुआ क्या है 5.89 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगर कोफिशिएंट अगर निकालना है यानी विचलन गुणांक निकालना है, तो विचलन गुणांक निकालने के लिए क्या है, मानक विचलन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ मानक विचलन गुणांक जो है निकालना है। तो यहां देखिए क्या है, सिग्मा बाई एक्स वाई, तो सिग्मा का जो यहाँ वैल्यू निकाले हैं वह 5.896 है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे बैठा दिए और एक्स बार का जो वैल्यू निकाले थे, यहाँ पे जो एक्स बार का वैल्यू निकाले हैं वह 48.2 है, तो 48.2 को बैठा दिए। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने पे क्या आ जाता है 0.122, जो कि आपका कोफिशिएंट ऑफ जो देख रहे हैं यानी कि मानक विचलन का गुणांक जो हो गया वह 0.122। थैंक यू।